तो आप देख सकते हैं ये लखनऊ चारबाग स्टेशन है और हम फाइनली निकल लिए हैं अब प्रयागराज। प्रयागराज जा रहे हैं, एसएससी जेई का पेपर है। आज 15 तारीख है और आज सुबह हम 7 बजे ट्रेन है और 1 बजे हमारा पेपर है। हमको जो ट्रेन पहुंचाएगी वो 11 बजे पहुंचा देगी, तो फाइनली हम अच्छे से वहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे का जर्नी आप लोग साथ शेयर करेंगे, आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज फाइनली ट्रेन तो मिल चुकी है और ट्रेन पूरी पूरी खाली है, आप देख सकते हैं पूरी पूरी बोगी खाली है और हमको लगता है प्रयागराज तक ही खाली ही जाएगी। चलिए ठीक ही है एक प्रकार से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में खिड़की के पास बैठे हैं, माने कि विंडो सीट पे बैठे हैं और यहाँ से दिख रहा है सूर्योदय और इतना ज़्यादा अच्छा व्यू लग रहा है। चलिए मैं आपको पीछे का कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं। But I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna feel you tonight. हेलो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जा रहा हूं इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद जा रहा हूं। पहले जौनपुर से लखनऊ गया था, अब लखनऊ से इलाहाबाद जा रहा हूं, क्योंकि जो पहला पेपर था हमारा वो लखनऊ था, लखनऊ DRDO का पेपर था। और अब लखनऊ से मैं जा रहा हूं सीधा इलाहाबाद, जो कि मेरा आज सुबह 1 बजे पेपर है और इस समय सुबह के 8 बज रहे हैं और देख सकते हैं पीछे ट्रेन रुकी हुई है, तो शायद है कि सही समय पहुँचा देगी। फ़िलहाल अगर लेट भी करती है, 1-2 घंटा लेट करेगी, फिर भी हम सही समय पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो स्टेशन है उसके करीब में ही है सेंटर, उसके बाद पेपर देंगे उसके बाद सीधा घर चले जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा हुआ है कि DRDO का और JEE का पेपर एक ही दिन पड़ गया है, तो बहुत सारे बच्चे JEE का SSC JEE का पेपर छोड़ के DRDO JEE का पेपर देने के लिए चले गए थे। और मैं आपको बता दूं कि DRDO JEE का पेपर इसलिए दिए थे जबकि पोस्ट है कम है SSC JEE की अपेक्षा। चलिए आपको बाद में बताते हैं, क्योंकि देख सकते हैं ट्रेन जाने वाली है। चलिए बाय। ये देखिए सोलर पैनल बहुत अधिक मात्रा में है। तो फाइनली हम प्रयाग पहुंच गए हैं, प्रयाग जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन नहीं, प्रयाग जंक्शन। ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। एक है प्रयागराज और एक है प्रयाग, इसके 2 किलोमीटर आगे प्रयागराज है, प्रयागराज जंक्शन, जो कि वही सबसे बड़ा जंक्शन है इलाहाबाद का। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, समय 10 बज गया है और पेपर है 1 बजे से, और यहाँ से जितनी दूर पे हमको जाना है उसकी दूरी हमको दिखा रहा है 1/2 घंटा। तो आराम से पहुँच जाएंगे, खाते पीते कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए चलते हैं। दिल का दरिया बह ही गया, जो मिल ही गया। तो फाइनली हम सेंटर पे पहुंच चुके हैं। तो हम देख रहे हैं कि अक्सर
जितने बच्चे DRDO का फॉर्म भरे थे सारे बच्चे SSC JEE का भी फॉर्म भरे थे, और कईयों का तो जिस दिन SSC JEE का पेपर था उसी दिन DRDO का पेपर था, तो बहुत लोगों का छूट गया था। बट मेरा SSC JEE का 15 तारीख को है और DRDO का जो था वो 14 तारीख को था, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और फाइनली मैं अच्छे से पहुँच चुका हूँ। ये जो हमारा सेंटर आया है ये मधुवचस इंटर कॉलेज, ये जो मधुवचस इंटर कॉलेज है इसमें आया है सेंटर मेरा। और इनका जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें मेरा एडमिशन चल रहा है BTEC में, BTEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं ये भी कॉलेज उन्हीं का है और उसके बगल का है। तो चलिए एग्ज़ाम देते हैं, फिर एग्ज़ाम देने के बाद फिर बताते हैं आपको कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो चलिए चलते हैं।